हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ फलाहारी आपको कढ़ी चावल की रेसिपी। तो मैं पुष्पा राजपूत पुष्पा की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, लेना है आपको दही, और दही को आपको मथ लेना है। और यदि आपका नॉर्मल दही है तो आप कोई ज़रूरत नहीं है पानी डालने की, और यदि खट्टा दही है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ताकि जो ये हमारी कढ़ी बने वो ज़्यादा खट्टी ना बने। तो ये आपके अनुसार है, आपको यदि ज़्यादा खट्टी पसंद है तो आप इसमें पानी मत मिलाइए, ऐसी बना करके तैयार कर लीजिए। तो अब हमें आपको क्या करना है, इसमें ले लेना है सिंघाड़े का आटा और इसको हमें मिला देना है। तो फ्रेंड्स, आपने सिंघाड़े के आटे की पराठे, पूड़ी और हलवा और लड्डू बहुत खाए होंगे, पर मैं जो आज रेसिपी बना रही हूँ ये बहुत ही खास है। तो एक बार फ्रेंड्स इसको बना करके जरूर देखिए, और वीडियो को आप कोशिश करिए कि फुल वॉच करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से इसको मिला लेना है, और ध्यान रहे इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको, जो हमने ये आटा मिलाया हुआ है दही में, हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसके पकौड़ी के लिए आटा तैयार करेंगे। तो आपको लेना है एक बर्तन, और बर्तन में हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च स्वाद के अनुसार, आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मैंने फिलहाल इसमें हरी मिर्च खाली डाली हुई है, और ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालूंगी, ना ही मैं इसमें नमक डालूंगी। यदि आप नमक खाना पसंद करते हैं तो इसमें काला नमक आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने सारी सामग्री को लिया हुआ है। तो मैं ये इस तरह से घोल बना करके तैयार कर लूंगी। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मैंने फिर सिर्फ इसमें हरी मिर्च और एक चुटकी इसमें हींग डाली हुई है। तो इसका हमें पेस्ट बना करके अच्छे से तैयार कर लेना है। तो अब चलिए चलते हैं हम फ्रेंड्स बनाने। तो हमने लिया है ये बर्तन, आप कढ़ाई ले सकते हैं, भगोना ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से एक बर्तन ले लिया, इसमें हम जरा सा एक चम्मच घी डाल देंगे, क्योंकि हम व्रत में सरसों का ऑयल यूज नहीं करते हैं, यदि आप करते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से हम जरा सा ऑयल डालेंगे, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी जरा दो चार दाने मेथी के, और आप चाहे तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, और या आप इसमें करी पत्ता डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, मैं सिर्फ मेथी के कुछ दाने डालूंगी, और इसके बाद जब मेथी के दाने चिटक जाएंगे तो जो हमने मट्ठा का घोल बना करके तैयार रखा हुआ है दही वाला, उसको हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है बनाना, एक बार इसको बना करके जरूर देखिए। और इस तरह से यदि ब्रेस में आप रेसिपी बनाएंगे तो आपका मन भी बहुत अच्छा रहेगा, और आपको भूख का एहसास भी नहीं होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेथी को हमने डाल दी है, साथ में मैंने दो तेज पत्ता डाल दिए हैं, और साथ में मैंने खड़ी लाल मिर्च भी एक डाल दी है। तो बस इसको हमें थोड़ा सा भूनने के बाद सारे बैटर को हमें इसमें डाल देना है। और डालते ही फ्रेंड्स, आपको गैस को बिल्कुल भी थोड़ा सा नॉर्मल कर लेना, बहुत ज्यादा तेज नहीं रखना, और आपको इसको छोड़ना नहीं है, बराबर चलाते जाना, नहीं तो क्योंकि ये नॉर्मल दही है और मैंने ताजा दही लिया हुआ, तो इसका फटने का भी डर रहता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, गैस को थोड़ा सा स्लो कर लें, इसके बाद मस्से इसको बराबर चलाते रहें जब तक इसमें ये पानी का खौलने ना लगे, ये जो हमने बटर डाला है ये ना, ये जब तक खौलने ना लगे। तो बस अब इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे, और जरा सा हम इसमें सिर्फ हल्दी भर डालेंगे, क्योंकि फलाहारी है तो हम इसमें कोई नमक यूज नहीं करेंगे। यदि आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं, या आप व्रत में नमक यूज करते हैं, तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं। तो बस इसको हम अच्छे से 2 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी व्रत की रेसिपी डाली हुई है, अभी मैंने व्रत वाली थाली भी डाली हुई थी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, और फलाहारी मैंने बर्फी भी डाली हुई है, फलाहारी लड्डू भी डाले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कढ़ी जब तक हमारी पक रही, जब तक हम बना लेंगे अपने समा वाले चावल। तो चावल को मैंने धुल लिया है, 1 कप चावल लिया है, और मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। तो इधर हमारे समा के वाले चावल भी पक रहे हैं, और ये देखिए हमारी इधर कढ़ी भी पक चुकी है। अब हम बनाते हैं कढ़ी के लिए बरी। तो मैंने ये कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और हम छोटी छोटी बरियों को बना करके इसको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से आप हाथों से बरियों को बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको चम्मच की हेल्प से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, और आप यदि प्याज खाना चाहते हैं तो आप इसमें बरियों में प्याज भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, और मैंने सिर्फ इसमें हरी मिर्च डाली हुई है। तो इस तरह से हम सारी पकौड़ियों को बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, और खास बात यह है कि ये बहुत ही कम समय में बन भी जाता है, और ये हमारे जीभ का स्वाद भी बदल जाता है इस तरह से, क्योंकि 9 दिन काफी दिन हो जाते हैं व्रत रहने के लिए। तो आप इस तरह से ये रेसिपी बना सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बरियां भी इस तरह से हम पलट करके इनको अच्छे से सेक लेंगे। ये बरियां भी बहुत ही खाने में टेस्टी लगती हैं, आप चाहें तो इनको ऐसे ही बना करके चाय में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बरियां भी हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं, और उधर हमारी कढ़ी भी बस पकने ही वाली है। तो इसको बनाने में बहुत टाइम भी नहीं लगता है, ये बहुत ही कम समय में बन करके तैयार भी हो जाता है। और आप चाहें
हैं तो कुछ सिंघाड़े के आटे की रोटी भी बना सकते हैं। यदि आपको रोटी के साथ में कढ़ी पसंद है तो आप रोटी के साथ ले सकते हैं। अभी मैंने इसके साथ एक सब्जी भी बनाई हुई है, तो फ्रेंड्स आप वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पकौड़ियाँ हमारी अच्छे से ये पक चुकी हैं। अब इन पकौड़ियों को हम डाल देंगे कढ़ी में। इधर हमारे समा वाले ये चावल भी पक चुके हैं, क्योंकि मैंने एक ही सीटी लगाई है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक चावल होते हैं, ये बहुत जल्दी पक करके तैयार भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने समा वाले चावल से और भी रेसिपी बना सकते हैं। यदि आपको इसकी खीर बनाना है तो आप खीर भी बना सकते हैं। तो अभी हम कुकर की सीटी निकालेंगे और उधर देखिए हमारी कढ़ी भी बन चुकी है। अब हम कढ़ी में थोड़ा सा तड़का लगाएंगे ताकि जो हमारी कढ़ी है और भी स्वादिष्ट बन करके तैयार होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम तड़का लगाएंगे, तो हम लेंगे एक पैन या चम्मच, इसमें हम थोड़ा सा एक चम्मच घी डाल देंगे। घी को हम अच्छे से गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग, और आप चाहें तो इसमें करी पत्ता डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे पास करी पत्ता आज नहीं था, तो मैंने सिर्फ इसमें थोड़ी सी बस हींग भर डाली हुई है, और ये हमारा तड़का बन करके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें अच्छे से घी को गर्म कर लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह मिट्टी की डेलिया ले सकते हैं, जिससे हम दीपक चलाते हैं, और या आप इस तरह से चम्मच में कर सकते हैं, आपके पास जो भी हो। ये बहुत ही आसान है। और यदि आप नवरात्रि में बघारना पसंद नहीं करते हैं या आप करते नहीं हैं, तो आप कढ़ी को ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है, जैसे भी आपको पसंद हो। मेरे यहाँ फिलहाल सब कुछ चलता रहता है, तो मैंने सोचा कई लोग हैं ऐसे जो मतलब नवरात्रि में सब कुछ करते हैं, और कई लोग हैं जो छौंका बघारी कुछ भी नहीं करते हैं। तो यदि आप इसी तरह सिंपल बनाना चाहते हैं तो आपकी कढ़ी वैसे भी बनकर के तैयार है। तो इधर देखिए, ये हमारा बघार भी तैयार हो चुका है। जरा सा मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी और ये हमारी कढ़ी पे चला जाएगा। तो ये हमारी कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार हुई है। फ्रेंड्स, एक बार बना करके इसको जरूर देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, और ये हमारे खाने में हेल्दी भी है, क्योंकि ये हमने दही से बनाया हुआ है, तो ये हमारा शरीर ठंडा भी रखती है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, कढ़ी हमारे बन के तैयार हो चुकी है। और इधर हम बनाएंगे कुछ व्रत वाली सब्जी। तो मैंने बैंगन की सब्जी बनाई हुई है, तो जरा इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप इसकी जगह घी डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल, जो भी यूज करना चाहते हैं। तो मैं इसमें खड़ी हरी मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा तेज पत्ता, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, और इसमें हम प्याज और लहसुन नहीं डालेंगे, और हम डाल देंगे बैगन की काट करके पीस, बैगन और आलू। तो मैंने जरा सा इसमें हींग और डाल दिए। अब हम डाल देंगे इसमें अपनी सारी सब्जी, और इसको हम थोड़ा सा पका करके तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने व्रत वाली सब्जी बनाई हुई है, क्योंकि इसमें मैंने ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं की है जो आप व्रत में ना खा सकें। और यदि आपको कढ़ी चावल बर्फ पसंद है तो आप कढ़ी चावल बना सकते हैं। मैंने, क्योंकि मुझे कढ़ी के साथ में सब्जी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने साथ में सब्जी भी बनाई है। तो बस इसमें हम सिर्फ नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, तो ये हमारी बस एक मिनट में सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा ढक करके कवर कर दूंगी ताकि जो बैंगन है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये है बहुत ही बनाना आसान। तो ये लीजिए, सब्जी पक्की तैयार है, और इधर हमारी कढ़ी चावल बन के तैयार हो चुकी है। तो बस फ्रेंड्स, अब हम लगा लेंगे प्लेट, थोड़ी सी रखेंगे इसमें सब्जी, थोड़ी सी कढ़ी, थोड़ी सी चावल। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर करना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, चलते हैं।